चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11वां कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः दे रखा है 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको परिमाप का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर करना है। देखिए सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना दूसरा जो त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज उसकी संगत भुजा की लंबाई कितनी है x मीटर। तो देखिए मैं लिख लेता हूं कि माना दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा x मीटर है, ठीक है। माना दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कितनी है x मीटर। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो सीधा लिख लेता हूं कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज उनके परिमाप का अनुपात क्या है 25 बट्टा 15 और संगत भुजा हो जाएगी 9 बट्टा एक्स। अब इनका वज्रगुण करके एक्स का मान इजीली ला सकते हैं। तो देखो एक्स का गुणा हो जाएगा 25 से यानी 25x और 9 का गुणा 15 से हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 9 इंटू 15 कर दो। चलिए 9 इंटू 15 कर लेते कितना आ जाएगा 135 और 135 में 25 का भाग दे दो ये आ जाएगा 25। तो x बराबर आ गया 135 में 25 का भाग देंगे तो हमारे आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये सेंटीमीटर में, सॉरी इसको भी सेंटीमीटर में ही मानना पड़ेगा, मैंने यहाँ मीटर में ले लिया, आप ये देख लेना ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, ये आ गया इसका आंसर।